आपने पति को कहा आते समय आज मार्केट से ये लेके आना, भूल ही गया। आने के बाद कहता है भूल गया, तो आपके मुख से क्या होगा, कुछ निकलेगा कि नहीं निकलेगा ना। हाँ और जाने भूल गया, चलो कल दोबारा याद दिलाओ, कल भी भूल गया, दो तीन दिन भूल गया तो चुप रहेंगे आप। क्या करना चाहिए ये सोचना। ये बाबा ज्ञान सुनाता है कि ग्रह तप का नारी को लक्ष्मी बनाता है, अपने आप चमत्कार नहीं तटास्थ नहीं करता है। आज बाबा ने मुरली में कहा बच्चे बाबा से क्या नहीं मांगो, बाबा से क्या नहीं कहो, आज मुरली में कहा, कौन बताएगा जल्दी बताओ। कृपा, बाबा मेरे पर कृपा दृष्टि रखो, मुझे दृष्टि दे दो, मेरे पर हाथ रखो, मेरे पर कृपा। बच्चे बाप कृपा नहीं कर सकता है, बाप को हाथ ही नहीं, कैसे करेगा। आपको अपने आपको श्रीमत पर चलकर अपने ऊपर कृपा करनी है, आपको ही करनी है, भगवान नहीं करता है ना। उसको हाथ ही नहीं, वो निराकार है, कैसे कृपा करे। लेकिन मनुष्य की भक्ति में आदत है, कोई गुरु सन्यासी सिर पर हाथ रखो आशीर्वाद दे दो, तो आशीर्वाद कुछ निकलता है क्या इधर से, हाँ हाथ से क्या निकलेगा। तो ये आदत हो गई है, मेरे सिर पर हाथ रखने से आपका पाप मिट जाएगा, आप पाप करो और दवाई नहीं ले लो, डॉक्टर का दृष्टि ले लो, डॉक्टर साहब सिर पर हाथ रखो बीमारी ठीक हो जाएंगे, चलेगा ऐसे करो ना। तो आत्मा के पाप, बाबा ने कहा मैं सुप्रीम सर्जन हूं, दवाई नहीं ले लो, श्रीमत पर नहीं चलो, मुरली नहीं सुनो, योग नहीं करो, बाबा मेरे मुझे दृष्टि दे दो। माता तो वही चाहती है ना, दादी मुझे दृष्टि दे दो, सिर पर हाथ रखो, और आप ज्ञान में नहीं चलो, योग नहीं करो, मुरली नहीं सुनो, तो चलेगा। माता जी बताओ, तो दृष्टि चाहिए बता, बाबा की दृष्टि चाहिए कि योग ज्ञान सुनना चाहिए, अब बताओ। बाबा की दृष्टि चाहिए कि ज्ञान योग में चलना चाहते हो, दृष्टि से कुछ मिलेगा। हाँ कभी सोचना, ये भक्ति वाली आदत है, दृष्टि दे दो, सिर पर हाथ रखने से क्या होगा। तभी कल कहा था एक हीरे के साथ एक पत्थर रखो डब्बी में, दोनों डाल के बंद करके एक साल रखो, क्या पत्थर हीरा बन जाएगा, एक साल रखो। हाँ तब कहा कि ऐसा नहीं, आप भगवान के साथ बैठे रहो परम धाम में, शिव बाबा के साथ ही रहो, चलेगा। तो शिव बाबा जैसे बन जाएंगे, इधर सृष्टि में आना नहीं, परम धाम में रहो। एमएलए साहब बताओ, आप इधर नहीं आना, इधर बहुत कुछ करना पड़ता है, परम धाम में बाबा के साथ बैठो, एक कलप के बाद बाबा जैसे बन जाएगा ना, नहीं बनेगा क्यों, अरे उसका संग है। देखो भाई साहब बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, देखा। तो इसके लिए कहा कि पत्थर के साथ हीरा रखो तो अपने आप नहीं बनता है, चंदन जितना घिसेंगे तब सुगंध आता है, ऐसे चंदन के झाड़ को देखो कुछ सुगंध भी कुछ नहीं, घिसना चाहिए। यहां भी ज्ञान भी अंदर चिंतन करेंगे तब उसकी ताकत आएगी, नहीं तो अपने आप नहीं।